महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला मालवन में राजकोट किले पर जो बनाया गया था और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पुतला बनाया था उसका काम एकदम नीच दर्जे का था, हल्के दर्जे का काम था, तो ऐसे निकृष्ट दर्जे का काम करके छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला सिर्फ 9 महीने के अंदर ही गिर जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हमने इस आज का जो है मूक प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब इनके आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में ये जो है मूक प्रदर्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किया है। तो इसी कड़ी में मीरा भाईंदर शहर में हमारे जो युवा अध्यक्ष है जक्की पटेल जी, साजिद पटेल, हमारी महिला अध्यक्ष जो है ममता मोराय जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रमोद कांबले जी, सभी हमारे साथी लोग आज यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मूक प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस पुतले को बनाया और पुतला 9 महीने के अंदर ही ख़राब हो गया, तो इसकी पूरी जो जाँच होनी चाहिए और उसको जो है जेल में डालना चाहिए और फिर से वहाँ पर उसी जगह पर महाराष्ट्र की अस्मिता, हम सभी के जो आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका पुतला फिर वहीं पर बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से रुबाबदार के रूप में वहाँ पर फिर से वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। साजिद भाई, इस विषय पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं और हमारे महाराष्ट्र के लोगों का और हमारे इंडिया के लोगों का दिल दुखाने का काम प्रयास होता है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना मांगती है, इसलिए हम लोग ये निषेध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हिंदुस्तान के पूरे महाराष्ट्र के आइडल्स हैं, उनके ही साथ में लोग उनके नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये अपन हम सब ये नहीं बोल सकते कि सभी लोग ये भ्रष्टाचार करते या गलत काम करते, ये चंद में से बोलते ना 10 में से 1 या 2 लोग करते, तो उनके खिलाफ हम खड़े हैं। हम सत्ता में रह के भी हम ये चीज़ के खिलाफ है कि ऐसी कोई चीज़ आगे आने वाले दौर में नहीं होना मांगती है, इसलिए हम ये सब कॉन्ट्रैक्टर लोग को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं और उनका निषेध करने के लिए हम सब हमारे पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहे हैं और आज मीरा भाईंदर में भी हमारी युवा की तरफ से आंदोलन हो रहा है, हमारी महिला साथ में, सब साथ में, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथ में, और हम लोग निषेध कर रहे हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग को कड़ी से कड़ी सजा होना मांगती है और इनको कुछ डर कानून का होना मांगता है, इसीलिए हम सब ये बात पे निषेध कर रहे हैं। गट्टी भाई, आज आप लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के पास काली पट्टी पहनकर क्यों आए? हमारे डेप्यूटी सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब और हमारे सुनील टटकरे साहब और हमारे युवक के अध्यक्ष महाराष्ट्र के सूरज चौहान के आदेश अनुसार जो हमारे आराध्य देवत, हिंदुस्तान के आराध्य देवत, महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला राजकोट में जो इतने हल्के पैमाने पे इतने कॉन्ट्रैक्टर की गलीच हरकतों से जो पुतला उन्होंने का इतने ख़राब मटेरियल के साथ बनाया है, उसके निषेध करते हुए आज मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी पूरे उसका निषेध यहाँ पर कर रही है। क्या इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस शिल्पकार को, जो आपके शिल्पकार है जो फरार है, उसको पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार जर से कर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और फिर से आने वाले समय में जो भी हमारा महाराज का वहाँ पर पुतला वापस स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, उसका अच्छे से उद्घाटन किया, तो फिर से पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में फिर से ये इतना गलीच हरकत, इतना खराब काम, हमारे महाराष्ट्र में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत हुई नहीं चाहिए कि इतने खराब काम से इतना खराब फैब्रिकेशन यूज़ करा है, तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की आने वाले कल में हिम्मत नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार से और हमारे प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये ख़राब काम किया है कि हमारे महाराज का जो पुतला है 8 या 9 महीने में जो गिर चुका है, उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको जेल की सज़ा हो और आने वाले कल में कॉन्ट्रैक्टर को एक सीख मिले कि ऐसा कोई गलीच काम वो करे नहीं, ऐसा कोई हल्का काम वो करे नहीं, फिर से हमारी जो महाराष्ट्र की, हमारी देश के जो जनता के अस्मिता को ठेस पहुंचाइए, ये कहीं ना कहीं आज जनता में आक्रोश है और ये आंदोलन जो आज हम कर रहे हैं ये किसी महायुति के सरकार के खिलाफ नहीं, हमारे ये आंदोलन है उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उस शिल्पकार के खिलाफ जिसने गंदा और गलीच काम किया है। तो महायुति सरकार के खिलाफ भी अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि महायुति सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने किया। जैसे कल आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस जिसका एक स्टेटमेंट है कि ये काम नेवी के अंडर में नेवी ने करके लिया है, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ
क्या जिस किसी ने भी ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है और जिस किसी भी शिल्पकार ने ये गलत काम किया है उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल के पीछे झोंक दिया जाए। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो हमारी महाराष्ट्र की शान है और हमारे देश का अभिमान है। उनके पुतले के साथ में अगर ऐसा होता होगा तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है और मैं हमारे तहसीलदार को अभी हम निवेदन देने के लिए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टाइम टू टाइम ऐसे जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी स्टैचूज हैं, उनका ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे हर बिल्डिंग की हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में ऑडिट करते हैं, वैसे स्टैचू का भी होना चाहिए। स्टैचू का उद्घाटन बहुत ज़ोर शोर से होता है, जब उनका जन्मदिन होता है, स्मृति दिन होता है, उस दिन उसके यहाँ पर जाके की जाती है पूजा आराधना की जाती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का और शासन का भी ये काम है कि उनका ऑडिट करके उनका जो कंडीशन है, स्ट्रक्चर है, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए।